ये क्या है? कागजात में लिखा है किस दिन किस समय, और अभी भी कर्जा लौटाने के लिए ना 10 मिनट बाकी है। सुधा दीदी ने आपको 10 मिनट पहले ही पैसे लौटा दिए। मैंने कहा ना, टाइम खत्म हो चुका है। साहूकार जी, सबूत हो गया है मेरे पास, अब सारे गांव वालों को पता चलेगा तो क्या होगा? मतलब आप देख लीजिए, या तो आप ये पैसे रख लीजिए या तो मैं पुलिस को बुला लेती हूँ। लेकिन फिर आप ये नहीं कह पाएंगे साहूकार जी कि आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता, पूरे गांव में आपका नाम खराब हो जाएगा। गजब लक्ष्मी गजब, मेरे बाप को भी उल्टा घुमा दिया। तो अब आप तय कीजिए, ये पैसे रखकर सुधा दीदी की जमीन वापस करेंगे या फिर जेल जाके अपना नाम खराब करेंगे। साहूकार जी, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनके आशीर्वाद का सही इस्तेमाल हो रहा है या गलत। और आप जो ये गरीब और मजबूर गांव वालों के साथ कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे। एक तो आप इतना ज्यादा ब्याज लेते हैं, ऊपर से धोखाधड़ी। अरे कम से कम जो आपके समय पे पैसे लौटा रहा है उन्हें तो उनकी जमीन वापस कर दीजिए। लोगों से उनकी जमीन हड़प कर आपको कुछ नहीं मिलेगा, उनका दिल दुखाकर आपको शायद पैसे जरूर मिल जाएंगे लेकिन खुशी और सुकून नहीं मिलेगा। लोगों की हाय लगेगी आपको, और ऐसी हाय से ना आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपका जीना मुश्किल हो जाएगा साहूकार जी। सुधा दीदी के कर्जे के कागज। लक्ष्मी को छोड़ूंगा नहीं मैं।